मॉर्निंग स्टूडेंट, हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला के काफ़ी क्वेश्चन कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करेंगे। दोनों क्वेश्चन थोड़े लेंथी है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, में आपको दिया है फाइ की वैल्यू। फाइ इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री अपॉन 2k माइनस एक्स। एंड आपको दिया है थीटा, टू टेन इनवर्स 2x माइनस k डिवाइड बाई k रूट थ्री। आपको सिद्ध करना है इसमें, फाइ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपको इसमें प्रूफ करना है। पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि करना क्या है इसमें। देखिए, हमें दो एंगल दिए, एक तो दिया है फाइ और एक दिया है थीटा। फाइ की जो वैल्यू है वो है टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री 2k माइनस एक्स। एंड थीटा की जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स 2x माइनस k डिवाइड बाई के रूट थ्री। विविध मिसलेनियस 20 नंबर का क्वेश्चन है ये। हम प्रूव करना है पाई माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम टेन फाइ माइनस थीटा कैलकुलेट करें और उसकी वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन रूट थ्री आ जाए, सो ऑब्वियसली ये जो एंगल है फाइ माइनस थीटा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेन में 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। सो मुझे बेसिकली यहाँ पर टेन फाइ माइनस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। स्टार्ट करते हैं जो गिवन्स है उनसे स्टार्ट करते हैं। फाइ की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स रूट थ्री डिवाइड बाई 2k माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू है टेन इनवर्स 2x माइनस k डिवाइड बाई k रूट थ्री। टेन इनवर्स से टेन इधर ट्रांसफर हुआ, सो ये बन गया टेन फाइ x रूट थ्री डिवाइड बाई 2k माइनस x। टेन थीटा इक्वल्स टू 2x माइनस k रूट थ्री। मुझे प्रूव करना है फाइ माइनस थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मैंने टेन फाइ माइनस थीटा स्टार्ट किया सॉल्व करना, और ये एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी जानते हैं सब। टेन फाइ माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन फाइ टेन थीटा। टेन फाइ की वैल्यू एक्स रूट थ्री डिवाइड बाई 2 के माइनस एक्स, माइनस टेन थीटा की वैल्यू 2x माइनस के अपॉन के रूट थ्री, 1 प्लस टेन फाइ एक्स रूट थ्री 2k माइनस एक्स टेन थीटा 2x माइनस k डिवाइड बाय k। सिर्फ मैंने यह फॉर्मूला अप्लाई किया है टेन फाइ माइनस थीटा का, टेन फाइ और टेन थीटा की वैल्यू पुट किए। इसके बाद आगे देखिए, ऊपर वाली जो टर्म्स है उनका एलसीएम लिया, सो एक तो मेरे पास आ गया 2k माइनस एक्स और एक आ गया मेरे पास k रूट थ्री। 2k माइनस एक्स का इसमें डिवाइड किया, सो मेरे पास आएगा एक्स रूट थ्री यहां से, और ये मल्टीप्लाई होगा k रूट थ्री से, बीच में साइन माइनस का। 2x माइनस k के रूट थ्री का डिवाइड किया, सो यहां बच गया 2k माइनस एक्स होल डिवाइड। यहां का एलसीएम 2k माइनस एक्स के रूट थ्री, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, के रूट थ्री 2k माइनस एक्स प्लस एक्स रूट थ्री 2x माइनस
का एलसीएम से सॉल्व किया है, ऐसे ही नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, दोनों टर्म इसकी जो नीचे डिवाइड में लिखा है और ये दोनों सेम है, तो कैंसिल हो गया। सो मेरे पास रह गया ये पूरा का पूरा, इसे कैंसिल है, k into x हुआ k x, root 3 into root 3 हो गया 3, माइनस 2x को मैंने 2k से मल्टीप्लाई किया 4kx, 2x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x स्क्वायर, माइनस k को मैंने 2k से मल्टीप्लाई किया माइनस 2k स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस kx। यहां देखिए दोनों में रूट थ्री कॉमन आ रहा है, रूट थ्री को मैंने कॉमन ले लिया, सो ये बच गया मेरे पास k 2k माइनस x प्लस x 2x माइनस k। सॉल्व हम कर रहे थे tan phi माइनस थीटा को, लेफ्ट में रखा इसको, लेफ्ट में चल रहा है यहां पे 3kx माइनस 4kx प्लस kx, ये हो गया 5kx माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर डिवाइड बाय रूट थ्री कॉमन है, k को मैंने 2k से मल्टीप्लाई किया 2k स्क्वायर, k को x से मल्टीप्लाई किया माइनस kx, x को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, x को मैंने माइनस k से मल्टीप्लाई किया सो माइनस kx। ने सॉल्व कर लिया, स्क्रीनशॉट आगे करेंगे कुछ स्पेशल। फाई की वैल्यू दी थी, थीटा की वैल्यू दी थी, टेन फाई बना लिया, टेन इनवर्स को उधर ट्रांसफर करके इसमें टेन इनवर्स को ट्रांसफर किया सो टेन थीटा, ऐसे मैंने टेन थीटा बना लिया। मुझे प्रूफ करना था फाई माइनस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, अगर मैं इसके साथ साइन लगा के 1/2 ला दूं या टेन लगा के 1/√3 ला दूं, टेन फाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर मैं 1/√3 लेकर आ जाता हूं तो मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि अगर 1/√3 ठीक है, यहां देख लिया है, लास्ट दो स्टेप देखते हैं इसके, हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट। टेन फाई माइनस थीटा 3kx माइनस 5kx प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर, रूट थ्री स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2kx, एज इट इज लिखा, बस ये जो टर्म माइनस के एक्स और माइनस के एक्स 2k गया 2x स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3kx माइनस 5kx, ये हो गया माइनस 2kx रूट 3 2k स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2kx, ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई। सो tan phi माइनस थीटा ये पूरी की पूरी टर्म इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गई, सो मेरे पास बच गया 1/√3, और tan में 1/√30 डिग्री की वैल्यू होती है, सो पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी, क्वेश्चन काफी इजी है, स्क्रीनशॉट का आप क्वेश्चन नंबर 21 लिख रहा हूं,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 2 tan इनवर्स, फिर ब्रैकेट में एक टर्म दी है tan 40 tan बीटा बाय 2, प्रूव करा रहा है हमसे cos इनवर्स अल्फा प्लस cos बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos बीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया 2 tan इनवर्स tan 45 माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। देखिए इसमें एक ब्रैकेट है tan 45 माइनस अल्फा, सो ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। फॉर्मूला लगाया मैंने tan a माइनस b, tan 45 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan अल्फा। सो LHS अब आपका कन्वर्ट होके बन गया 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा बाई। इसके बाद ये जो टर्म लिखी है tan इनवर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी है 1 माइनस tan अल्फा 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा बाई 2, इसको मैंने y कंसीडर कर लिया, y मान लिया। सो आपका LHS फिर कन्वर्ट हो गया और ये बन गया 2 tan इनवर्स y, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट को मैंने y मान लिया है। अब ब्रैकेट को मैंने y मान लिया सो ये बन गया 2 tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स के तीन फॉर्मूले होते हैं, sin इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, tan इनवर्स 2y डिवाइड बाई 1 माइनस y स्क्वायर एंड cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर। ठीक है, हमें जो अपना आंसर चाहिए वो चाहिए cos में, सो हम सिर्फ cos वाला फॉर्मूला देखेंगे, cos का फॉर्मूला cos वाला पार्ट लेंगे हम। cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं साइड में लिख देता हूं ताकि बाद में हम इसे यूज करें। यहां पे ध्यान रखना मैंने 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा एंड tan बीटा बाई 2 को y माना था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा, कर लेना स्क्रीनशॉट लेके इसको। आगे चलते हैं, मुझे cos इनवर्स ये था, cos इनवर्स मिल गया है 1 माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस y स्क्वायर, इसकी वैल्यू मुझे ये बनानी है। ये सॉल्व करना 1 माइनस y स्क्वायर एंड 1 प्लस y स्क्वायर, और आपको y पता है क्या लिया था आपने, 1 माइनस y की जगह लिखा 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा बाई 2, ये तो है y, बट यहाँ y स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो गया, इस पे भी स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 माइनस tan अल्फा डिवाइड बाई 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा बाई। ठीक है, इस पूरी टर्म को कैलकुलेट करके इसमें कन्वर्ट करना, मुझे मैनिपुलेशन करना है सारी कैलकुलेशन को। 1 माइनस होल स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस टेन अल्फा होल स्क्वायर 1 प्लस tan अल्फा होल स्क्वायर tan स्क्वायर बीटा बाई 2। इक्वेशन 1 को साइड में लिख लीजिए जो बाद में यूज करेंगे हम, cos इनवर्स 1 माइनस y स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर, ये हमारा LHS था। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कहा था हमने, बाकी मैं हटा रहा हूँ सारा। देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया इसके,
इसके बाद हम एलशियम लेते हैं। एलशियम लिया मैंने, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया, सो ये बन गया 1 प्लस टेन अल्फा होल स्क्वायर। एलशियम ले रहा हूँ सीधा, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 1 माइनस टेन अल्फा होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फा होल स्क्वायर। ये टर्म पूरी हो गई। इसके बाद इधर वाली टर्म 1 प्लस टेन अल्फा होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस टेन अल्फा होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन अल्फा होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर हर बराबर है, एक दूसरे को काट देंगे। सो ये मेरे पास बन गया, इसको मैंने एक्सपेंड किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, थोड़ा साइड में लिख रहा हूं यहां, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में प्लस साइन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। आराम से पेशेंस के साथ देखते जाओ, थोड़ी क्वेश्चन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? अगेन एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक, से आगे कंटिन्यू करेंगे यहां तक। इसके बाद देखिए, प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को कुछ कंसीडर कर देता हूं एक्स, मैंने 1 प्लस पर अल्फा को एक्स मान लिया, तो ये बन गया मेरे पास एक्स प्लस 2 टेन अल्फा माइनस एक्स प्लस 2 टेन अल्फा सॉरी माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 एक्स प्लस 2 टेन अल्फा प्लस एक्स माइनस 2 टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ध्यान रखना यहां 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह एक्स लिखा, यहां भी एक्स लिखा, यहां भी एक्स और यहां भी एक्स, या नहीं मानो तो इन्हें एक पेयर में रखना है, नहीं करना इसे। ब्रैकेट को ब्रेक किया, एक्स प्लस 2 टेन अल्फा माइनस एक्स माइनस एक्स, इससे मल्टीप्लाई एक्स टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2x टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। इस टर्म से आगे सॉल्व किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा को मान के एक्स प्लस 2 टेन अल्फा प्लस एक्स इंटू टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस 2 टेन अल्फा टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहां थोड़ी गलती की है, एक्स लिख के मैंने, ठीक है। इसके बाद एक्स वाली टर्म देखिए, ये दोनों एक्स की टर्म है, दोनों से एक्स कॉमन ले लिया, सो एक्स कॉमन आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, इन दोनों से 2 टेन अल्फा कॉमन लिया, सो यहां रह गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। अगेन यहां दोनों से x कॉमन लिया, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2,
इन दोनों में से मैंने टेन अल्फा कॉमन ले लिया, टू टेन अल्फा मैंने कॉमन ले, सो मेरे पास रह गया वन, यहाँ पे तो वन हो गया और यहाँ पे रह गया मेरे पास माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। बार आगे चलते हैं, देखिए यहां तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगेन आप वापस x की वैल्यू रखिए, हमने x को माना था, हमने कंसीडर किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, मल्टीप्लाई 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, x की जगह देखिए क्या लिखा, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 टेन अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई x की जगह लिखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 2 टेन अल्फा, 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई। ठीक है, कैलकुलेशन लेंथी ना हो इसलिए मैंने x लिया था, बाकी जरूरी नहीं था लेना। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको जो प्रूफ करना था 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर से, उसमें आपको चाहिए साइन 2 अल्फा प्लस कॉस बीटा 1 प्लस साइन 2 अल्फा, सो यहाँ पे 1 बनाना है, 1 बनाना है, मतलब इस टर्म की जगह मुझे 1 चाहिए। इस टर्म की जगह अगर मुझे 1 लाना है, किसी भी टर्म को 1 में कन्वर्ट करने के लिए उसी से डिवाइड कर दे तो 1 इजीली कन्वर्ट होगा। मैंने डिवाइड कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 से। अब डिवाइड में सिर्फ इसको नहीं कर सकता, मुझे सभी टर्म को डिवाइड, तो देखने स्टेप देखना ढंग से। पहला स्टेप था 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस दूसरे स्टेप में लिखा आपके पास दूसरी टर्म 2 टेन अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। इसको भी आपको डिवाइड करना है, अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, ये ऊपर वाला पार्ट है। डिवाइड में जो टर्म थी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2, एक तो ये टर्म थी प्लस 2 टेन अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2। इन दोनों में भी डिवाइड करना है आपको। डिवाइड किया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस टेन। अब डिवाइड करने के बाद देखिए क्या क्या रहता है हमारे पास। 1 प्लस स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कैंसिल, सो मेरे पास बचा यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस ये कैंसिल 2 टेन अल्फा ऑन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, सो बचा यहां पे 1 2 टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा बाई। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों फॉर्मूला है, एक तो है कॉस थीटा का जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, सो ये पूरा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा कॉस बीटा में,
प्लस साइन 2 अल्फा, ये फॉर्मूला साइन 2 अल्फा 2 थीटा का, 2 डिवाइड बाई 1 प्लस साइन 2 थीटा कॉस बीटा। और ये जो प्रूफ में हम चाहते थे वो हमें मिल गया है, एलएचएस में इसे यूज किया, यूजिंग इन वन, वन में यूज किया, सो वन आपका कन्वर्ट हो गया कॉस इनवर्स कॉस बीटा प्लस साइन टू अल्फा डिवाइड बाई वन प्लस साइन टू अल्फा कॉस बीटा। प्रूफ, ये जो क्वेश्चन है इसको ढक, ठीक है, दो तीन बार, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मिसलेनियस विविध के आपके सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए, एग्जाम्पल 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 और 21 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को आप एक दो बार रिपीट करके देखना, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।